मकसद ये था कि इसी टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट का फ्लो बहुत अच्छी जा रही है, तो हम चाह रहे थे कि जो हमारे चेरी के फार्मर्स हैं, चाहे वो वुमेन फार्मर्स है चाहे मेन फार्मर्स है, वो यहाँ पे आए, अपने चेरी को जो है प्रमोट करें। कोई भी स्टेक होल्डर्स यहाँ से ऐसे मिल जाते हैं जो उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं या उनको अवेयरनेस दे सकते हैं, जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट जो है ना वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में लोग पहुँचा सकते हैं। तो ऐसे फेस्टिवल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे फार्मर्स को होता है, वो अपना प्रोडक्ट ला के यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। चेरी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चेरी के वैरायटीज़ होते हैं जिनके बारे में जो टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट या जो नेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको पता नहीं होता। इस इवेंट का कराने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि ये एनुअली ये जो तीसरा साल है हमारे पास यहाँ पे जो ना चेरी फेस्टिवल का इनका हम करा रहे हैं, इसमें हमारा रोल ये है कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ उनके सपोर्ट में ये तमाम जितने भी चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं ये हमने किया है। मेरा नाम साइमा है और एज एरिया मैनेजर फॉर हुंजा नगर काम करती हूँ। आज जो हमने यहाँ पे नगर में राकापोशी व्यू पॉइंट पे जो दो रोज़ा चेरी फेस्टिवल रखा था, इसका मकसद ये था, चूँकि आपको पता है कि हम ऐसे एरिया में रह रहे हैं कि हल्की सी बारिश भी हो जाए तो हम जो है कट ऑफ रहते हैं दुनिया से, तो मकसद ये था कि इसी टूरिस्ट, क्योंकि टूरिस्ट का फ्लो बहुत अच्छी जा रही है, तो हम चाह रहे थे कि जो हमारे चेरी के फार्मर्स हैं, चाहे वो वुमेन फार्मर्स है चाहे मेन फार्मर्स है, वो यहाँ पे आए, अपने चेरी को जो है प्रमोट करें और मार्केट करें, क्योंकि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है हमारे फार्मर्स के लिए कि वो दिखाएं कि नगर में कितनी अच्छी चेरी होती है और हार्वेस्ट को हम सेलिब्रेट करें, और उसके अलावा ये है कि लिंकेजेस जो है उनकी डेवलप हो जाएं। साथ साथ हमने कोशिश की कि जो हमारे वुमेन आर्टिजान्स है, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स है जो लोकल फूड में काम कर रहे हैं नगर के अंदर रहते हुए, उसके अलावा हैंडीक्राफ्ट में काम कर रहे हैं, तो हमने कोशिश की कि उनको भी ये अपॉर्चुनिटी दिया जाए कि वो साथ में आए और अपनी प्रोडक्ट्स को जो है यहाँ पे डिस्प्ले करे और मार्केट करे और दुनिया को पता चले कि नगर के अंदर कितनी हुनरमंद खवातीन हैं और कितनी खूबसूरती के साथ वो अपने कल्चर को भी और उसी से इनकम कैसे कमा रहे हैं। तो ये ओवरऑल जो है यहाँ पे हमारा मकसद यही था, और टूरिज्म को चूंकि एरिया हमारा बहुत छोटा है, लोकेशंस हमारी जो टूरिस्ट पॉइंट्स है इतनी प्रमोट नहीं हुई है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि टूरिस्ट आके वो एक इंजॉय करे चेरी को एक जगह पे। अभी आपने खुद देखा होगा टूरिस्ट आए हमारे जो डोमेस्टिक टूरिस्ट है और ठीक ठाक जो है हमारी फार्मर्स की सेल हुई, तो इंशाल्लाह इनकी लिंकेजेस भी हुए हैं तो वो ऑर्डर्स भी अपने लिए ले लेंगे। तो ये हमारा ओवरऑल मकसद था। थैंक यू जमाल रहीम, बहुत शुक्रिया। ये जो फेस्टिवल हमारे डिपार्टमेंट्स रखते हैं ये ईयरली हमेशा रखते हैं, तो इनमें यह है कि डिफरेंट जो भी फार्मर्स हमारे पास फार्मर्स है डिफरेंट, चाहे वो हमजा के हों नगर के हों, उनके पास जो भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है वो उनको ला के डिस्प्ले करते हैं। तो अभी ये जो दो दिन का जो चेरी फेस्टिवल है इसमें नगर के जितने भी हमारे चेरी प्रोड्यूसर्स हैं वो आए हैं, चेरी के प्रोडक्ट्स लाए हैं, फ्रेश फ्रेश चेरीज लाए हैं। इससे एक तो पहले मैं फार्मर्स की बात करूँगी क्योंकि एज ए एग्रीकल्चरिस्ट हमारा फोकस ज़रा उनकी तरफ होता है। ऐसे फेस्टिवल से सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमारे फार्मर्स को होता है, वो अपना प्रोडक्ट ला के यहाँ पर डिस्प्ले करते हैं। चेरी ऐसे बहुत अच्छे अच्छे चेरी के वैरायटीज़ होते हैं जिनके बारे में जो टूरिस्ट, लोकल टूरिस्ट या जो नेशनल टूरिस्ट आते हैं उनको पता नहीं होता। तो ऐसे फेस्टिवल्स खासकर इस सीज़न में रखने का ये फ़ायदा है कि इस खासकर ईद के बाद टूरिस्ट का रश बहुत ज़्यादा होता है, फ्लो बहुत ज़्यादा होता है, तो इस टाइम टूरिस्ट को भी आइडियाज़ मिल जाते हैं, उनको भी पता चलता है कि हुंजा और नगर पूरे गिलगित बल्तिस्तान में किस किस्म के हम फ्रूट्स वगैरह मिलते हैं, और फ्रूट्स के अलावा उनसे प्रोसेस
चेरी केक्स अभी हमने देखे कुछ स्टॉल पे चेरी केक्स भी लाए हैं हमारे फार्मर्स, तो इससे सियाहों को भी फायदा मिलता है और हमारे फार्मर्स को भी। एग्रो टूरिज्म की अगर हम बात करें तो ऐसे जो फेस्टिवल जिस तरह आज और कल इन्होंने रखा, हमारे डिपार्टमेंट में रखा चेरी के लिए, तो इसी तरह पूरे गिलगित बल्तिस्तान में बहुत सारे फ्रूट्स हैं, बहुत सारे क्रॉप्स हैं अलग अलग। अगर हम नहीं रख सकते तो कम से कम ऐसे एग्जीबिशन साल में एक नहीं बल्कि 2-3 एग्जीबिशन होने लाजमी है। डिफरेंट एरिया से डिफरेंट क्रॉप्स को लेकर आएंगे फार्मर, डिफरेंट वेजिटेबल्स को लेकर आएंगे, उनकी भी मार्केटिंग होगी। और जो खासकर जो प्रोसेस्ड हमारे पास ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, और आजकल हमारे फार्मर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा फार्मर्स जो है वो टनल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट हुए हैं। एक ज़माने में यहाँ पे सर्दियों में सब्जियाँ नहीं मिलती थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी फार्मर सर्दियों में भी टनल्स के अंदर सब्जियाँ वगैरह उगाते हैं, ऑफ सीजन वेजिटेबल उगाते हैं। और इसके अलावा वो जैसे टोमेटो की बात करें तो वो टोमेटो से भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स बना के रखते हैं, जैसे केचप है और टोमेटो पेस्ट जो थ्रो दैयर वो यूज़ करते हैं। तो अगर ऐसे एग्जीबिशन होंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट्स है, हमारे फार्मर्स के पास जो क्रॉप्स है उनकी भी मार्केटिंग होगी, ये बहुत अच्छा रहेगा। अरमान रहीम, आज भी दो दिन से दो रोज़ा चेरी फेस्टिवल में यहाँ मौजूद हूँ। मैं LSO को रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ये खास है। और यहाँ पर जितनी भी तमाम ख्वातीन ने स्टॉल्स लगाए हैं उनमें ज़्यादातर हैंडीक्राफ्ट्स के हैं, और कुछ ख्वातीन जो है वुडन चीज़ें भी कर रही है, खुद अपने हाथों से बनाई हुई चीज़ों को डिस्प्ले किया हुआ है। बहुत सारे ख्वातीन यहाँ से वो जो डेयरी प्रोडक्ट्स लेके आए हैं और ड्राई फ्रूट्स लेके आए हैं, और बहुत सारे ख्वातीन जो है ना इन चीज़ों से खुद को एम्पावर करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में इन चीज़ों को कैसे हम आगे लेके जा सकते हैं, या मतलब कोई भी स्टेक होल्डर्स यहाँ से ऐसे मिल जाते हैं जो उनको मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म दे सकते हैं या उनको मुख्तलिफ अवेयरनेस दे सकते हैं, जिनके थ्रू ये प्रोडक्ट जो है ना वो नेशनल इंटरनेशनल मार्केट में लोग पहुँचा सकते हैं। तो इस तरह के इवेंट से ख्वातीन एक अवेयरनेस मिलती है, दूसरा उनको कॉन्फिडेंस मिलता है, और तीसरा उनको ऐसे प्लेटफॉर्म या ऐसे राहें हमार हो जाती है उनके लिए कि वो अपने प्रोडक्ट्स को, अपने जो जितना भी मेहनत करती है उसको नेशनल इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँचा दे, और उसके साथ साथ जो है ना वो खुद को इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इसके लिए हम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं इस तरह के मतलब प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए हम उनके बहुत मशहूर हैं, जो हमें और दूसरे ख्वातीन को जो है ना इस तरह के प्लेटफॉर्म दे रहे हैं जहाँ पर हम अपनी चीज़ों को डिस्प्ले कर सके और उनको सेल कर सके, खुद को एम्पावर कर सके, और इन चीज़ों को आगे मजीद पहुँचाने के लिए हमें मतलब मुख्तलिफ राहें दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम जाहिद हुसैन है, मैं तहसीलदार हेडक्वार्टर हूँ यहाँ नगर में। तो बेसिकली यहाँ पे इस इवेंट का कराने का जो बुनियादी मकसद है वो यही है कि ये जो तीसरा साल है हमारे पास यहाँ पे जो ना चेरी फेस्टिवल का इनका हम करा रहे हैं, इसमें हमारा रोल ये है कि हम एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ उनके सपोर्ट में ये तमाम जितने भी ऑर्गेनाइज हो गए हैं ये हमने किया है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के साथ। इसका बुनियादी मकसद ये है कि यहाँ जो लोकल प्रोडक्ट्स है, चेरी की जो पैदावार है, जो फार्मर्स है यहाँ पे, आप लोगों को नज़र आ रहा है कि डिफरेंट स्टॉल्स लगाए हैं, उनकी प्रमोशन है। हम ये चाह रहे हैं कि टूरिस्ट ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्ट हो यहाँ पे नगर की खूबसूरती देखने के लिए, और यहाँ के जो उनकी पैदावार है वो जो है ना इसकी पैदावार में जो है इजाफे के लिए हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे आप लोगों को पता है कि स्टॉल्स लगे हैं, तो बेसिक बुनियादी मकसद यही है कि टूरिज़्म को प्रमोट करना और लोकल प्रोडक्ट्स है उनकी प्रोजेक्शन है यहाँ पर।